सो गाइज़, अभी यहाँ मैं हॉस्पिटल पहुँच चुकी हूँ और अभी मेरे इंजेक्शन लग चुके हैं, दो इंजेक्शन लग चुके हैं। तो अभी मैं ये सो रही थी यहाँ पर और फिर यहाँ पर लग चुकी है ड्रिप, क्योंकि उससे मुझे आराम नहीं मिला था। सो हाय गाइस, अब आपसे बात करने का मौका मिला है। तो आज है 25 तारीख, कल नेहा की तबीयत ख़राब हुई थी। कल सुबह से ही नेहा की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो शाम तक जब तबीयत सही नहीं हुई तो हमें नेहा को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाना पड़ा, जहाँ पे उसको एडमिट करना पड़ा। और लेट नाइट तक नेहा को एडमिट रखा गया हॉस्पिटल में। और अब आज 25 तारीख है, तो अब नेहा की कंडीशन आप देखिए। वैसे तो अभी भी इसकी हालत ख़राब ही है, इसे उठा भी नहीं जा रहा है और मतलब बात करने की भी हालत में नहीं है। रात को मेरे पेरेंट्स ने यहीं पे रोक दिया था कि वहाँ पे मत जाओ, क्या पता रात को वापस तबीयत ख़राब हो जाए तो हॉस्पिटल ले जाना पड़े, तो इसलिए हम यहीं पर हैं अभी। और जैसे कि कल इलेक्शन है, तो शायद कल इलेक्शन देने भी जाना पड़ेगा, तब तक भी हम यहीं पर रहेंगे। जब तक नेहा की तबीयत सही नहीं हो जाती तब तक शायद हम इधर ही रहेंगे। जैसे वो रिकवर होगी उसके बाद हम अपने घर पे जाने का सोचेंगे। तो अभी मैं नेहा को दिखा देता हूँ कि वो कैसी तबीयत है उस। तो अभी यहाँ पे नेहा रेस्ट कर रही है, डॉक्टर ने इसको रेस्ट करने का बोला है। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठंडे पानी की पट्टी रखी है और प्लस डॉक्टर ने इसको 24 घंटे एसी में रखने का बोला है। तो एसी चालू ही है कब से। और ये नेहा के पानी की बॉटल्स पड़ी है, क्योंकि नॉर्मल वाटर पीती नहीं, आरओ का ही वाटर पीती है। से तो हमेशा ब्लॉक की शुरुआत नेहा ही करती है, वो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती है। और आज इसकी हालत ऐसी है कि इससे मतलब बोला तो क्या, उठा भी नहीं जा रहा है। तो इसलिए मैंने ही ब्लॉक की शुरुआत की है। और ये सारा सामान मैं आज सुबह घर पे जाके लेके आ गया, क्योंकि पता नहीं अब यहाँ पे कितने दिन रहना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सामान वामान लेके आ गया। कल तो हम इतना अर्जेंट में आए थे कि घर से हम कुछ भी लेके नहीं आए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेहा की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो सीधा हॉस्पिटल ही गए थे, तो कुछ भी साथ में लेके नहीं आए थे, क्या पता वापस एडमिट करना पड़ जाए। और अभी नेहा को जूस वूस ही ज़्यादा दे रहे हैं, इसको खाने में भी बिल्कुल हल्का खाना देने को बोला है डॉक्टर ने, और मोस्टली ठंडी चीज़ें देने का बोला है सारा। चलो अब मैं वीडियो बंद करता हूँ। वैसे तो कल भी शूट करना था, पर कल इतनी टेंशन थी ना कि हॉस्पिटल में कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि नेहा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो थोड़ा सा ही मैंने शूट किया जब इसको ड्रिप लगी थी। और चलिए अब बाकी की बातें मैं बाद में बताता हूँ आपको। तो गाइज़ ये हो गया नेहा का जूस का टाइम, चलो अब नेहा को जूस दे देते हैं। अभी ये नेहा बैठी है यहाँ पे, उल्लू की तरह जाग रही है, दिन में सोती है रात को जागती है, कि नींद नहीं आ रही है मुझे। वो आज तो हालत ख़राब कर दी है इसने, पूरे सबको परेशान कर दिया। बोलने की हिम्मत नहीं है इसकी, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। अभी इसमें क्या है, ब्लॉग जोर से बनाना पड़ता है ना, तो ज़्यादा जोर से अभी वो बोल नहीं रही। रात में 12 भी बज गए हैं, आवाज़ अभी नहीं रही होगी मेरी। खाना वाना खिलाया, अब थोड़ी एनर्जी आई है इसको। तो अभी मुझे क्या है, नींद नहीं आ रही है। दोपहर में बहुत ज़्यादा मैं सो गई थी, पूरा दिन सोते सोते में ही निकल रहा है। तो अभी बैठी थी तो इन्होंने बोला तेरा मूड ठीक कर देते हैं, थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं। और मैं, मेरा फ़ोन वोन चलाने में भी बिल्कुल दिन नहीं कर रहा है, मेरे दो दिन से बिल्कुल फ़ोन नहीं लिया। बस थोड़ा कुछ देखती हूँ, कुछ ऐसे मैसेज या कुछ कमेंट, उसी में सर दर्द होने लगता है। तो बस वही बीच बीच में पानी पी लेती हूँ। तब पानी मैंने कल तो बिल्कुल भी पानी नहीं पिया था गाइस, तो आज मैं ये समझो आज पानी पी रही हूँ। अब पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं। आ रही आवाज़। तो अब कल इलेक्शन है, तो देखती हूँ, मुझ में तो इतनी कैपेसिटी नहीं है जाने की। अभी मैंने वॉक करके देखा थोड़ा, तो सर यहाँ पर सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, चक्कर सा आ रहा है। तो देखती हूँ मैं तो, क्योंकि सुबह धूप भी बहुत रहेगी, जाती हूँ या नहीं। बाकी ये तो जाएंगे, इनका कन्फर्म है।
जो भी हम आपसे सुबह मिलेंगे फिर। अभी बैठे हैं नाइट लैम्प की रोशनी में। हाँ, मुझे ये लैम्प अच्छा लगता है। इधर देखो, मुझे ये लैम्प अच्छा लगता है तो मैं उसी को जला कर है ना देखती रहती हूँ हमेशा। उसका ना कलर वलर अच्छा है तो अच्छा लगता है। आज इसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जब मैं एडमिट था तब भी यहीं पे थी। हाँ, यही थी, इसी रूम में थी। तो अब हम आपसे सुबह मिलेंगे। अभी पी लेते हैं जूस, गन्ने का जूस। और मेरी शक्ल कैसी हो गई। अभी हमारी पैकिंग हो रही है, अब हम सोच रहे हैं कि घर पर जाते हैं आज। और अभी आप मेरी हालत को इग्नोर करना क्योंकि मैंने पिछले 3 दिनों से कांच में शक्ल तक नहीं देखी है सच में अभी से। तो अभी बस घर पर ही जाना है तो मैं ऐसे रैप करके चली जाऊँगी। तो अभी तो हम 4 बजे ना, 4 या 4:30 बजे तो थोड़ा सा धूप जाएगी, उसके बाद जाएंगे। तो मैंने सोचा जब तक पैक करके सब रख लेते हैं सामान। ये बैग हमारा तैयार हो रहा है, ये बैग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे आधे कपड़े तो रख दिए थे, आधे क्या है ये धुले हुए कपड़े अभी आए ना, सूख गए हैं, तो हमने सोचा ये भी रख देते हैं। फिर उसके बाद जाएंगे थोड़ी देर के बाद। फिर दिखाते हैं घर की क्या हालत है। इतने दिन हो गए घर को संभाला नहीं है, देखते हैं क्या हालत होती है। आपको तो पता ही, हमारे उधर नॉर्मल डेज में भी इतनी धूल हो जाती है, आंधी वगैरह चलती रहती है, खुला उधर बहुत ज़्यादा है। तो वो भी साफ करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे। और अभी तो ये सफाई। और ये जो नेहा अभी दिख रही है इतनी बात करते हुए, आज से 3 दिन पहले आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसका मतलब बोलने की भी हिम्मत नहीं थी इसकी। आज मेरी आवाज़ जैसे ही निकल रही है सुबह से, बंद नहीं है आवाज़। आज जाके ऐसा लग रहा है कि मैं, ये जो अभी बैठी है ना, उस टाइम खाना भी लेटे लेटे, पानी भी लेटे लेटे पीती थी। सच में पानी भी लेटे, ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है। बाकी की बातें हम आपको आगे बताएंगे। बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अभी एक साथ बताने की हिम्मत भी नहीं है, एक साथ इतना बोलने की। तो थोड़ा थोड़ा ही ब्रेक ले लेके मैं बोल रही हूँ, पर आज इतना हो गया है कि मैं चल फिर सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ घर पर। इसीलिए आज हमने सोचा कि आज घर पर ही चलते हैं। घर भी अब सुना है, अब ठीक इतना हो गई हूँ तो जा सकती हूँ, वरना हम फिर तो यहाँ से जाने नहीं दे रहे अभी के 2-3 दिन और उनको बड़े मुश्किल से आज परमिशन मिल गया जाने की। इसलिए चलिए तो फिर मिलते हैं आपको, निकलेंगे उस टाइम दिखाएंगे। अभी निकलने का टाइम हो गया तो पहले खाना खा लेते हैं। दही है, चावल है और रोटी है, जल्दी से मैं खाना खा लेती हूँ। गाइस अभी हम घर पर जा रहे हैं और अभी शाम हो गई है बिल्कुल। हम अभी के लिए रुके हुए थे, हम अभी जैसे धूप चली गई उसी के लिए रुके हुए थे, तो अब बिल्कुल शाम हो गई है। खाना वाना खा लिया? हाँ, खाना भी खा लिया है हमने। तो बस हम निकलते हैं और सीधा आपको हम घर पे जाके मिलते हैं। और अब बैल्कनी में खड़ी हुई है, यहाँ अच्छा लगता है, शाम को अच्छी हवा चल रही है। तो चलो अब सीधा घर पे जाके देखते हैं घर कैसे, 3 दिन से लावारिश पड़ा है। तो चलो अब हम निकल गए हैं जल्दी से क्योंकि अब लेट हो रहा है। चलिए बाय, मिलते हैं। कि हम घर पे आ चुके हैं और हमारे घर की हालत, रैंप की हालत देखिए आप घर में। देख तो नहीं, कहाँ कहाँ से थैली उड़कर आ जाती हैं। ये हमारा पड़ा हुआ है पार्सल, एक मंगाया था हमने, तो हमने बोल दिया था ऐसे ही, हाँ ऐसे ही डालकर चले जाना। तो ये हमारा पार्सल है। खोलते हैं अब। इसी वक्त गई थी घर से और इसी वक्त आ गए थे शाम को। ये हमारे घर की इस वक्त सब कुछ ऐसा पड़ा है। चलिए ये आपको अभी हम दिखाते हैं, पहले सामान लाए इधर। सबसे पहले आकर हाथ वगैरह धो लेते हैं। और मैं बोल रही हूँ मैंने घर को इतना मिस किया, मतलब याद तो आ जाती है। तो अब मैं आई ना तो मैं बोल रही किचन में गई सबसे पहले, मुझे किचन से बड़ा हुआ है। किचन में घूम कर आई, अभी पूरा घर भी आपको दिखाऊंगी, घर की हालत क्या, पूरा इन्होंने ही संभाला था। क्या कपड़े लेने के लिए आए थे ना, तो घर का पूरा सब कुछ ये साफ करके गए थे, वो सब भी आपको दिखाऊंगी। पहले हम थोड़ा सा फ्रेश नक हो जाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हाथ पैर धो लेते हैं, ये भी धो लेते हैं, फिर आपसे मैं बाकी की सारी बातें करती हूँ, ठीक है। चलो गाइस देखिए, सारे बर्तन रखे हुए हैं ऐसे ही, ये कल आए थे कपड़े लेने के लिए सामान। तो ये बर्तन वगैरह सब साफ करके गए थे, किचन वगैरह सब पूरी साफ कर दी थी इन्होंने। तो अभी मैं ये सेट कर दूँगी।
घर से दिया है सामान, इसमें है कुछ इमली और ये है अचार और ये है कड़ी पत्ते। थोड़ा थोड़ा अपडेट आपको दे दिया था हम जब हॉस्पिटल गए थे जब से लेकर और घर पर वापस आए तब तक। तो अभी नेक्स्ट डे हो गया है, रात को तो फिर मैंने ज़्यादा सूट नहीं किया था तो रेस्ट वगैरह कह रहा, तो अब नेक्स्ट डे हमने सोचा इस ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। और नेक्स्ट डे भी हमने अभी खाना वाना बना के हाँ फ्री हो गए, घर की सफाई वफाई कर ली है और हम फ्री हो गए हैं, तो उनका ब्लॉग की एंडिंग कर लेते हैं। हाँ तो और क्या हुआ था क्या नहीं ये सब बातें हम आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो गया और कल इतनी हिम्मत भी नहीं थी तो हम आपको बताते हैं। तब तक आप लोग हमारी ये वीडियो देखिए और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द।